हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी अपना इन दो टूल्स की, जो कि और हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल की सेम पोर्शन कैसे दूसरी साइड लेके जाना है। तो आज हम बात करेंगे अपना कि मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं इस साइड ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस साइड अपने आप ड्रॉ हो जाए वो, ठीक है। तो उसको एक्चुअली सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री में ऑन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, देन आपको कैनवस में आना है। कैनवस में आके आपको दिख रहा होगा ड्राइंग गाइड, ठीक है। अब ड्राइंग गाइड करने के बाद आपको सिंपली इस पे टैप कर देना, तो आपको यहाँ पे ग्रिड नज़र आ रही होगी कि ग्रिड ऑन हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट ड्राइंग गाइड पे जाना है। तो हमारे पास यहाँ पे ये चार ऑप्शंस अपने ओपन होते हैं। तो इन चार चारों ऑप्शंस का मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे यूज होगा, बाकी आप अपना एक बार ट्राई करके देखना कि कुछ अच्छा निकल के आ जाए। आइसोमेट्रिक है, 2D ग्रिड है, आइसोमेट्रिक है, पर्सपेक्टिव है एंड सिमिट्री है। तो पहले हम बात करेंगे सिमिट्री की। तो सिमिट्री के अंदर जैसे ही मैंने मतलब सिमिट्री पे वो ये किया, तो ये ऐसे में यहाँ आप देख रहे हो कि एक सेंटर पॉइंट में एक लाइन आ गई है। तो इसको डन करना है हमको, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पे डन किया है, डन करने के बाद जब भी मैं मतलब कुछ भी मतलब यहाँ पे मैं पहले अपना ब्रश चूज कर लेता हूँ, कोई पेंसिल या पेन, ठीक है। तो जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो ये वैसे वैसे दूसरी तरफ भी होएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मतलब जिस तरफ भी मैं मतलब कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो ये उसी तरफ उसी हिसाब से मतलब अपना ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप कुछ भी अमेजिंग चीजें बना सकते हो अपने हिसाब से। तो और इसको मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा आते हैं इसमें और एडिट गाइड में जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे हॉरिजेंटल में चाहिए, ऐसे में चाहिए या ऐसे में चाहिए। तो ये दरअसल चीज़ें यूज होती हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, मंडेलाज वगैरह अगर आपको ड्रॉ करना है तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत सही चीज़ें हैं। तो जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको ओके करता हूँ। जैसे ही अगर मैं इसमें करूँगा ना, तो ये जैसे जैसे अगर मैं एक पे करूँगा ना, तो ये चारों में होगा, ठीक है। ये इधर भी होगा, इधर करना है, इधर होगा, इधर करूंगा तो इधर दोनों में होगा। तो ये इस तरीके से चलता है। तो ये हो गया अपना। और अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन से। तो थर्ड ऑप्शन रेडियल है। तो रेडियल भी, और आप ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको मूव भी कर सकते हो अगर देखा जाए तो, और रोटेशन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको ठीक लगे। अब रेडियल पे भी सेम वही चीज़ है जैसे कि अभी बाकियों पे था। जैसे ही मतलब कुछ भी मैं ड्रॉ करूँगा इस पे, तो वो इस तरीके से मतलब मंडेलाज जो होते हैं वो अपने क्रिएट करेगा ये। ठीक है। तो अगर आपको मतलब मंडेलाज बनाना पसंद है तो आप वो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, इस सिमेट्री वगैरह ये सब अपना ऑन करके, तो काफी हेल्पफुल है। और हाँ, एक चीज और याद रखे, जैसे ही आपने
ड्रॉइंग असिस्ट आपको टिक करके रखना होगा वरना ये चलेगा नहीं, जैसे अभी फ्री हो गया ठीक है। तो जैसे ही मैं ड्रॉइंग असिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर वैसे ही काम करता है। तो ये यहाँ से भी अपना ऑप्शन मिलता है आपको ड्रॉइंग असिस्ट का, तो वो आपको ऑन करके रखना है। ये रहा पर्सपेक्टिव में, ये हर जगह ही होगा अपना, तो ये आपको हमेशा ऑन करके रखना है ठीक है। तो बाकी अपना पर्सपेक्टिव वगैरह सेम वही चीज़ें हैं, बाकी मुझे सिमेट्री का आपको क्लियर करना था, ये सब तो आप खुद ट्राई करो पर्सपेक्टिव में, तो पर्सपेक्टिव वाला। अब ये है इसमें क्या होगा, जैसे मतलब ग्रिड है, ग्रिड के अकॉर्डिंग आप कुछ भी मतलब जैसे आपको बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, मान लीजिए कुछ भी मतलब ग्रो करना है बिल्डिंग्स, तो व्यू होता है, तो वो आप मतलब इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से ग्रो कर सकते हो ठीक है। तो रूम्स वगैरह एंड बाकी होल्स जैसे भी आप मतलब ड्रॉ करना चाहते हो इसमें, तो वो सब आप ये वाली ग्रिड ऑन करके कर सकते हो आइसोमेट्रिक में। तो ग्रिड का साइज बड़ा छोटा ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये सब में ही ऑप्शन है। थिकनेस बढ़ानी है घटानी है बढ़ानी है, जो भी आपको करना है वो यहाँ से कर सकते हो। ओपेसिटी कितना रखना है ग्रिड का वो यहाँ से कर सकते हो, तो बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।